मिल्क पाउडर बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे 2.5 कप मिल्क पाउडर, आधा कप शक्कर, 1/4 कप घी, दूध लेंगे हम 3/4 कप, चॉप्ड पिस्ता, बादाम, काजू, कार्डमम पाउडर या इलायची पाउडर, और ग्रीज्ड टिन लेना है या फिर मैंने एक प्लास्टिक का ही डिब्बा जिसे कहते हैं ले लिया है पार्चमेंट पेपर लगाकर। सबसे पहले हम घी डालेंगे कढ़ाई में, हल्का गर्म होने पर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं डालना है। दूध डालने के बाद में हम इसे हल्का सा स्टर करेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, और ऐड करेंगे शुगर, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इन्हें कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए बनाना है, कुक करना है। मेक श्योर कोई भी तरीके का लंप नहीं रहे इसमें। ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए ही कुक करना है। ये टेस्टी बनती है बहुत ही, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। इस बर्फी को आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये देखिए ये गाढ़ा कितना हो गया है पहले से, और इस स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। उसे मिक्स करने के बाद में हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे 2-3 मिनट, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये कढ़ाई को अब छोड़ने लगा है। तो हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है, अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड को आप अच्छे से ग्रीस कर लें घी से, और पार्चमेंट पेपर अगर अवेलेबल हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी पार्चमेंट पेपर का यूज़ किया है, इससे बर्फ़ी को निकालने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए मैंने इसे मोल्ड में डाल दिया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर सेट कर देंगे इसे हम अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कुछ कोई से भी ले सकती हैं, मैंने पिस्ता, बादाम और काजू लिए हैं। इन्हें फाइनली चॉप कर लें, और ऊपर से डालने के बाद इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये बर्फी में या मिक्सचर में अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसे ठंडा करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ये सेट हो जाएगी। 3 से 4 घंटे बाद मैंने इसे डिब्बे से बाहर निकाल लिया है, और पार्चमेंट पेपर को भी हम धीरे से निकाल लेंगे, और इसे उलट कर दूसरे साइड से दूसरी प्लेट में हम फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए इसे आप अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। हमारी मिल्क पाउडर बर्फी जो है रेडी है, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।